नाभ है तेरा तारा नारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। पाक सारी संखे सर का प्रवेश द्वार यानी कि काम देनु गाय गौशाला। आज हम आपको काम देनु गाय के दर्शन करवाने जाएंगे। काम देनु गाय की विशेषता इतनी सारी है ना कि मैं आपको बोलूँगा, उससे पहले मैं आपको रियल काम देनु गाय के दर्शन करवाऊँगा, उसके थोड़े लक्षण बोल देता हूँ। काम देनु गाय की पूछ नीचे तक जमीन तक टच होती है, और जैन धर्म के अनुसार कहते हैं कि काम देनु गाय यानी बहु अलौकिक होती है, उसके दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। और संकेश्वर पार्श्वनाथ कहते हैं कि जो प्रतिमा है तो सुबह में वही काम देनु गाय का दूध जाता है, और संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा के पक्षा भी वही काम देनु गाय के दूध से होता है। तो आओ मैं और आप सब मिलकर काम देनु गाय के दर्शन करते हैं। तो चलो काम देनु गाय के दर्शन कर लें। स्टॉप। संकेश्वर महातीर्थ का प्रवेश द्वार यानी कि कामधेनु गौशाला। कामधेनु गौशाला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अपने यहाँ पर लाखों में से एक गाय यानी कि कामधेनु गाय विराजमान है। इनके अंदर ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो लक्षण हमें कोई साधारण गायों में नहीं देखने मिलते। जैसे कि इनका पहला लक्षण कि जब गाय खड़ी होती है तब इनकी पूछ जमीन के पॉइंट से टच होती है। अगर कोई भी साधारण गाय की हम पूछ देखते हैं तो जमीन से लेकर 2 या 3 वे तक ऊपर होती है, लेकिन कामधेनु गाय की पूंछ इतनी लंबाई में क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पर भी वो खड़ी होती है वहाँ की जो ऊर्जा होती है उसे ग्रहण करके बाहर का वातावरण एकदम शुद्ध बनाती है। शुद्ध यानी कि नेगेटिव वे में से पॉजिटिव वे में करती है। इनका दूसरा लक्षण देखेंगे तो इनके खुंद का भाग, ये जो ऊपर का खुंद का भाग होता है कोई भी साधारण गायों से लेकर एकदम विशिष्ट ऊंचाई में होता है, क्योंकि इनके खून से लेकर पूंछ तक एक लाल कलर की नारी होती है जिसे कहा जाता है सूर्य केतु नारी। केवल सूरज के किरणों से गाय का दूध एकदम शुद्ध बनाती है। शुद्ध यानी कि कोई साधारण गायों से लेकर 3 से 4 गुनाकार कैल्शियम का प्रमाण इस गायों के दूध में ज़्यादा होता है। इनका तीसरा लक्षण देखेंगे तो इनके पूंछ का आकार, ऊपर से जैसे चोटी बनी जाती है और नीचे जैसे खुले बाल रखे जाते हैं वैसा आकार में होता है। चौथा लक्षण कि अपने कामधेनु गाय के दोनों सिंह, अपने शास्त्र के अनुसार कामधेनु गाय के सिंह हमेशा अहिंसक होने जरूरी है। अहिंसक यानी कभी भी कोई मनुष्य को कोई जाति का नुकसान ना पहुंचा सके। छठा और आखिरी लक्षण कि इनके दोनों आँखों में से 2400 घंटा करुणा दया के भाव अमीजरणी, यानी कि 2400 घंटा इनके दोनों आँखों में से पानी चालू रहता है। इनका सुबह का जो दूध आता है मुलनायक संखेश्वर दादा के पक्षाल के लिए यूज़ किया जाता है, और अपने यहाँ पर पूरी कामधेनु गौशाला है जिसमें 200 के करीब गाय विराजमान है। ठीक। कामधेनु गाय के आप दर्शन कर रहे हो, अद्भुत नज़ारा है। लाखों में एक गाय, हाँ लाखों के अंदर ये एक गाय है, और ऐसी गाय देखने को भी नहीं मिलती। कामधेनु गाय अद्भुत नज़ारा है, देखिए भागतारी। और कहते हैं कि उसकी पूंछ जमीन तक नीचे तक होती है, आप देख सकते हैं गाय माता की पूंछ नीचे तक है जमीन तक। करुणा दयाना एकदम नजदीक, आप चालू रखते हैं। इनके सामने जो प्रार्थना करते हो वो सीधा भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ,
और भागदारी कहते कि काम देनु गाय के आगे जो भी प्रार्थना करते हैं वो सीधे परमात्मा से प्रार्थना पहुंचती है ऐसा कहा जाता है। और ये उनकी पूछ गौ माता के माता की पूछ है, देख सकते हैं नहीं हम आमज रखें कि पूरी जमीन तक टच होती है। ये देखिए गौ माता की पूछ है और भागदारी कहते कि सिर पे लगाने से यूं सिर पे घुमाने से बाल भी आते हैं, ऐसी गौ माता की अद्भुत नजारा है। कि घर घर दीवड़ा प्रगटाओ बारण तोरणिया बंधाओ आ तो आव्या रे अवसरे आ नंदेना। आप सपने कामधेनु गाय के दर्शन किए, आप अहमदाबाद से आओ ना तो उसका प्रवेश द्वार है संकेश्वर का यानी गौशाला, कामधेनु गाय गौशाला। तो कभी भी आओ तो अवश्य गौशाला के दर्शन करना और भारत भर के अंदर अपने जैन धर्म के अंदर जैन शासन के अंदर संकेश्वर के अंदर ये एक मंदिर है, वहाँ कामधेनु गाय के दर्शन होते हैं। और उसकी विशेषता तो आपको जय भाई ने बोली होगी कि अद्भुत विशेषता है। मान लो आप राजस्थान से आते हो राधनपुर से आते हो या उदयपुर जोधपुर से आते हो साचौर से आते हो तो उस तरफ से आना संकेश्वर दादा का दरबार है, मगर थोड़ा आपको आगे आना पड़ेगा फिर वहाँ से आपको दर्शन हो जाएगा और अवलौकिक। और यहाँ पे पार्श्वनाथ दादा की अवलौकिक प्रतिमा है, महावीर स्वामी की भी अलौकिक प्रतिमा है और अद्भुत ये दर्शन है, शुद्ध तीर्थ कहा जाता है भागसारी। और कभी भी आओ तो अवश्य दर्शन करना। और मैंने आपको बोला था, वापस भी बोलता हूँ कि ये कामधेनु गाय का जो दूध है वो संकेश्वर दादा के वहाँ रोज पक्षाल में जाता है, पक्षाल में दूध उपयोग होता है, पक्षाल के लिए भगवान के नमन करने के लिए उपयोग होता है भागसारी। तो कभी भी आओ तो अवश्य दर्शन करना। और जिन आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी ज़्यादा बोला हो या कुछ भी अशब्द बोला हो या कुछ भी समझाने में मेरे से थोड़ी भी मिस्टेक हो गई हो तो त्रिवेणी त्रिवेणी मिच्छा में टुकड़ा मुझे माफ़ करना। कुछ ज़्यादा भी बोला हो तो त्रिवेणी त्रिवेणी मिच्छा में टुकड़ा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैन परिवार में और अपने जैन ग्रुप में व्हाट्सअप और शेयर करना। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।